घरों तो बाद तेल तकरीबन एवरेज सानू आ रही है 11 किलो एक मन सरयां चो, ठीक है। ते उस हिसाब से तकरीबन 7,700 रुपया एक, ते 550 रुपया एक, यानी कि 8,250 रुपये तकरीबन एवरेज साड़ी बनती पी। यानी कि साढ़े समझ लो कि तेल के पैसे जोड़े ने वो सरयों पूरे हो जाते हैं बराबरों बराबर, ठीक है ठीक है। बाकी रह जाती साढ़े को खल, जी खल जी साढ़ा प्रॉफिट है, ये सिस्टम बेहतर है। सर, वो किस तरह बेहतर है? लोग सदियां तो कोल्लू जड़े नो लगा के तेल निकालते पे ने। ये प्रैक्टिकल करने तो बाद ठीक है, वो ये समझ में आई गल कि एवरेज यानी कि प्रोग्रेस वो ज्यादा है। यानी कि अगर छोट प्रोडक्शन ज्यादा है जी प्रोडक्शन ज्यादा है, मशीन अगर 20 किलो वाली भी लेने हैं जी तो तकरीबन समझ लो 18-20 किलो एवरेज दे रही घंटे, जी जी ठीक है। तो जी दूसरी मशीन यानी कि कोल्लू, जी कोल्लू तकरीबन जी 14 से 15 किलो सरयों है वनू तकरीबन घंटा लगा देता ठीक है साढ़े समझने के मुताबिक। शायद अगर चौधरी एवरेज सेम नहीं हो, लेकिन सब तो बड़ा जो मेन फर्क आ रहा है वो फर्क यह आ रहा है कि वो पानी लगाना जरूरी है, अच्छा, पानी कोल्लू के विच लगाना जरूरी है, जरूरी है। यानी कि उन्होंने सरयों से तेल कढ़ने वास्ते, जवान से तेल कढ़ने वास्ते ठीक पानी हो, लगाना जरूरी है, ठीक है ठीक है। ये वास्ते है कि जिनी सरयों खुश्क होएगी उन्ना ज़्यादा तेल ज़्यादा बेहतर निकलेगा, क्योंकि जो हम असी तेल कढ़िया ये सरयों से इस टाइम बारिश की वजह तो गिली हुई, हो ठीक है। ये तेल घट निकलिया नमी की वजह तो, इस असं हम खाल में दोबारा प्रोसैस करा। ठीक हो गया। शमीला भाई तुसी क्या जी, जो जेड़ा तेल निकलता है कोलू के विचों, उदे विच पानी इस्तेमाल किया जाता है, हाँ इहदा जी मतलब है सदियां तो जेड़ा लोग समझते आए ने कि कोलू का तेल जेड़ा प्योर हुंदा है, हालांकि प्योर नहीं हुंदा, उदे विच फिर पानी मिक्स किया जाता है। हाँ जी बिल्कुल। वो देखो ज़्यादा मकदार तो नहीं, एक हल्की मकदार च पानी, मतलब बेशक थोड़ा किया जाता हाँ है, जी लेकिन बिल्कुल पानी शामिल होता है तेल शामिल में। जरूर होता है। और यदि निस्बत ओदी प्रोग्रेस जड़ी ना तेल दी, यानी कि जी तेल ज़्यादा निकलता है, और ज़्यादा निकलने की वजह भी है ये कि अगर चे मिसाल तौर पर मन में अगर चे एवरेज देगा ना 11 किलो दी, जी जी 11 किलो दी, वो 12 से 13 किलो की एवरेज देगा, और वो वजह यह है कि वो जो पानी बच्चे लगता है वो वजह तो जरा ना तेल ज़्यादा निकलता है, लेकिन वो तेल खराब हो जाता है, जिन्ना पानी ज़्यादा लगाया जाता तेल खराब हो जाता है। सर, की समझते हो कि कोल्लू लगाने वास्ते जगह भी ज्यादा चाहिए होंगी है, ठीक हाँ है, बिल्कुल उदे वास्ते जगह भी चाहिए है, उदी प्रोडक्शन भी ये घट है, तो जदीद दौर दे विच फिर छोटी छोटिया दो मशीन लगा के, तो एक मशीन जी कोल्लू के बराबर है या दो मशीन कोल्लू के बराबर? मैं समझना कि एक मशीन ही कोलू दे बराबर है, ठीक है, और दो मशीन अगर जैसे लगाने सारी गल साढ़े काम बच जाएगा। काम तो उन्हें ही कर दिया मियां ने, क्या पैसे भी उन्हें ही कमाए जा सकते हैं इन्ना? नहीं, ये पैसों की कमाई ज़्यादा इस तरह हो जाती है कि कस्टमर ज़्यादा आंदा है, यानी कि हालस तेल होने की वजह तो कस्टमर ज़्यादा आंदा है, अपनी सरयों लैके आते हैं। जी अगर जो जी किसी को 5 किलो सरयों, 2 किलो सरयों, 3 किलो सरयों, वो 5 किलो, 2 किलो, 3 किलो का भी तेल निकल आएगा, वो जरूरी है कि 12 से 14 किलो लाजमी है, ठीक ठीक है है, जिसकी वजह तो करके साढ़े यानी कि निज़ाम पहले असं सीजन से जो पहले सेटअप शुरू किया है, असं सिर्फ एक मशीन लई है पीले कलर की, ठीक है सेटअप शुरू किया है दस के तो असं सिर्फ एक मशीन लिया पहले ठीक पीले है कलर की, ठीक है। तो वो साढ़ा यानी कि सिस्टम है बन गया कि असं सुबह 7 से 8 बजे तकरीबन दुकान खोलनी, तो रात 12 बजे तक लगातार मशीन चलनी, एक मशीन है, नहीं देर चलती रहनी, एक ठीक मशीन इन्नी देर चलती रहनी, हाँ है किसी टाइम में कोई घंटा आधा घंटा बिजली बंद होनी तो वो बंद होनी। और इस तरह का सैटअप साडा बन गया कि साढ़े को अपने को सरों का तेल सेल करने वास्ते टाइम नहीं सी बचता, यानी कि लोग जी सरों लैके आते ही वो ही असी प्रोसैस करके देंदे रहे उन्होंने, ठीक है। अपने को जोड़ा है साढ़े को टाइम नहीं सी निकलता, असं हम अपनी सरों प्रोसैस करके तेल कढ़ीए। फर्क है जी पीले कलर की, यदा तकरीबन 18 से 20 किलो एवरेज घंटे बच्चे, जी नीले कलर च यदि एवरेज तकरीबन 38-40 किलो एवरेज दे रही है। अगर आसान लफ्जा ही तो मैं पूछा दे, दोनों मशीन जो बंदा बहाना किन्ना को कमा लेता है? देखो ये डिपेंड करता है तुहाडे कोल कस्टमर आन ते और तुहाडी अपनी मेहनत ते, ठीक है, डिपेंड करता है, क्योंकि चीज़ बना लेना मायने नहीं रखता, उन्हें सेल करना मायने रखता, ठीक है। अगर जो तुसी मिसाल तौर पर दिन विच अगर जे तुसी मिसाल तौर पर 10 मन सरयों नूं प्रोसैस कर लेंदे हो, 7 मन सरयों नूं प्रोसैस कर लेंदे हो, ठीक है, उन्होंने विचों 7 मन चो एक तकरीबन एवरेज के मुताबिक 80 किलो तेल निकल आता है, ठीक है ठीक है। हुण 80 किलो तेल इकट्ठा कर लेना मैंने नहीं रखता, यानी कि 80 किलो तेल सेल करना मैंने रखता,
और उसके मुताबिक अगर देखा जाए तो एक मंथ की एवरेज हिसाब से ठीक ठाक प्रॉफिट बन जाता है, ठीक है, क्योंकि इस टाइम तकरीबन रेट जा रहा है गालबन 7,500 तो 8,000 एवरेज जा रही है सरयों की, ठीक है, मुख्तलिफ शहर मुख्तलिफ रेट ने, ठीक है, 8,000 की एवरेज चल रही है इस टाइम। तो असं वैसे इतने तेल सेल कर रहे हैं 750 रुपए तो फिल्टर।